आसमानी झूला तगड़ा दिख रहा भाई। बाप रे, इतना भीड़ों का सोचा नहीं था। ये अमरनाथ गुफा पे आधारित पूरा गुफा दर्शाया हुआ है भाई साहब। क्या बात, धुएं निकल जा रहे हैं भाई, निकल आए। हम लोग इसने गेट के अंदर है, अपन ट्रैकिंग करते हुए अमरनाथ गुफा जाते हैं। तो नीचे में पूरा झाग है, लेकिन एक तरफ से बर्फ दर्शाए हुए हैं, आ रहे हैं अंदर से दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे पूरे बर्फ अमरनाथ गुफा, इसी तरह से अमरनाथ गुफा होता है। तपस्या में लीन है गणपति महाराज। यहाँ पे कान के झुमके वगैरह है भाई साहब। वेलकम बैक ब्लॉग स्क्रॉल पे, तो फिर से आप सभी का स्वागत है गाइस। तो अभी हम है न्यू कुर्सी पर, यहाँ का गणेश पंडाल आप लोगों को दिखाने के लिए जस्ट मेरे पीछे साइड में है, ये देख सकते हैं। और यहाँ पे अमरनाथ गुफा झांकी बना हुआ है। और ये देखो यहाँ पे आसमानी झूला भाई साहब। गणेश चतुर्थी का पहले दिन अपन आए हुए थे, तो सही से ये तैयार हुआ नहीं था, यहीं से गुजर रहा था। तो मैं सोचा ये पंडाल एक फिर से आप लोगों को दिखला देता हूँ। बेहतरीन दिख रहा भाई, लेके जाता है आपका रायपुर और ये लेके जाता है आपका भिलाई। उसी बीच में आप लोगों को ये पंडाल देखने को मिलेगा, एकदम जी रोड से लगा हुआ है। जैसे कि देख रहे हैं गाड़ी आ रही जा रही है, और भाई मन प्रसन्न हो जाएगा ये नजारा देखकर। ये देखो आसमानी झूला तगड़ा दिख रहा भाई। हमने गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दिया है, और देखो सुंदर सा गेट है। यहाँ पे माता रानी दर्शाए हुए है लाइटिंग के माध्यम से, और झांकी देखने के लिए, पंडाल देखने के लिए काफी सारे लोग आ रहे हैं, और पूरा रोड जाम है भाई साहब। बाइक का चार्जेस लिया जा रहा है 10 रुपए। अगर नहीं देना है तो आप अपने तरीके से गाड़ी खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि बगल में ही कॉलोनी है भाई। तगड़ा हॉल दिख रहा भाई, लोगों को यही ओवर ब्रिज से खड़े होके दूर से नजारा दिखा रहा था। यहाँ पे लिखा है नव युवा मित्र मंडल न्यू कुर्सी पार, आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। तो अंदर लेके आएंगे तो आपका गाड़ी का पर्ची कटने ही वाला है भाई। वैसे देख रहे हैं किस हद तक यहाँ पे क्राउड है भाई साहब, झांकी देखने के लिए भाई तगड़ा माहौल है। देखते हैं वीआईपी का क्या रेट है, नॉन वीआईपी का क्या रेट है। ये देखो तगड़ा भीड़ है भाई। बाप रे, इतना भीड़ होगा सोचा नहीं था यार, वाकई में कुछ ज्यादा ही भीड़ है। ये लगता है वीआईपी वाला है जो 20 से जाने दिया जा रहा है। और यहाँ पे सब पर्ची काट रहे हैं भाई, ये देख लो तरह से क्या क्या रेट है। तो यहाँ पे हमने टिकट लिया है, 100 रुपए का एक टिकट है। अगर आपको तुरंत जाने हैं तो 100 रुपए में आपको एक टिकट मिलेगा, 200 रुपए में दो। कि भाई ये भाई बंदा मिला हुआ है, इन्हीं के साथ अपन लटक के जा रहे भाई। चलो यहाँ से जाना है भाई, यही वाला लग रहा है। और जो नॉन वीआईपी है वो 25 रुपए, लेकिन भीड़ देख रहे हो भाई, तगड़ा भीड़ है भाई, मानना पड़ेगा यार, इतना क्राउड होगा सोचा नहीं था। और बचे कुछ ही दिन है इसलिए लोग आ रहे हैं झांकी देखने के लिए। और 50 रुपए वाला भी है, लेकिन उसमें वीआईपी है, लेकिन आपको रुकना पड़ेगा। अगर इस तरह से डायरेक्ट जाना है तो आपको 100 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। पूरा थीम अमरनाथ गुफा पे बना हुआ है, जबरदस्त बना हुआ है भाई। उस समय आया था ना तो प्रॉपर काम हो नहीं पाया था। और आगे में आसमानी झूला वगैरह भी है, तो भी अपन देखेंगे। इधर देख रहे हो अमरनाथ गुफा, बहुत प्यारा लग रहा है यार। और ये देख रहे हो एंट्री ले रहे हैं। ये जो गणपति पंडाल थीम है, ये अमरनाथ गुफा पे आधारित है। तो आप लोगों को अमरनाथ गुफा देखने को मिलेगा। और देख रहे क्राउड भाई, तरफा क्राउड है, सब वीआईपी से एंट्री ले रहे हैं। और यहाँ पे भिलाई टाइम्स वाले नजर आ रहे हैं अपने को, वो देख लो जो रिपोर्टिंग करते हैं। तो चलो अंदर चलते हैं और आप लोगों को दिखलाते हैं अमरनाथ गुफा। कुछ चेंजेस है या फिर उसी तरह से है। और ये देखो अभी नंदी के पेड़ से अपन अंदर जाने वाले हैं। और ये देखो इस तरह से पूरा गुफा दर्शाया हुआ है भाई साहब, क्या बात है, जबरदस्त दिख रहा है यार। खैर अपन तो आ चुके हैं, तो कोई नई बात नहीं है हमारे लिए, लेकिन जो नहीं देखा है उनके लिए नई बात है। और यहाँ पर सांप के मुंह के अंदर से अपन जाने वाले हैं, और आ ही रहे हैं भाई काफी सारे भक्तगण झांकी को देखने के लिए, पे वेट करा रहे हैं भाई अपने को। तो यहाँ पे ना धुएं निकल जा रहे हैं भाई, स्नेक के मुंह से अंदर प्रवेश करने वाले हैं। पूरा अमरनाथ गुफा प्रवेश कर रहे हैं अपन। अरे हमने स्नान पे भी निकला है, क्या बात है भाई साहब, बढ़िया है भाई। ये सब देखते हैं अपने को, तभी तो बस यूनिक लगेगा भाई, शाबाश। चलो भाई अभी हम लोग इसने गेट के अंदर हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। लाइटिंग भी देख रहे हैं उसी तरह का दिया हुआ है, इसने कि पेट के अंदर इस तरह से ब्लड होते हैं। तो बस चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं अपन। भीड़ तो एक तरफा है इसलिए रुक रुक के जाना हो रहा है। तो भाई गाड़ी आगे बढ़ेगी धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा क्राउड है। ये देखो इस तरह से अपन जा रहे हैं भाई धीरे धीरे अमरनाथ गुफा के अंदर। तो कैसा लगेगा, अपन केदारनाथ पे हैं, उसी तरह से फील आएगी आप लोगों को हल्का फुल्का, जैसे कि अमरनाथ गुफा में जो कष्ट होता है। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और आगे में अपने को लक्ष्मण झूला भी देखने को मिलेगा।
कि जिस तरह से अपन ट्रैकिंग करते हुए अमरनाथ गुफा जाते हैं उस तरह से यहाँ पे हल्का फुल्का है। अरे लोग आ ही रहे हैं, उनको रुकवा दिया गया है क्योंकि तो आगे में पूरा जाम है। ये पहाड़ दर्शाए हुए हैं क्योंकि पहाड़ों के किनारे किनारे पूरा रास्ता बना होता है। अमरनाथ हो गया या फिर केदारनाथ हो गए तो अपन हो के आए हैं, इसलिए अपन जानते हैं भाई बहुत खड़ी चढ़ाई रहती है भाई। तो ये थोड़ा सा एक झलक है और आगे बढ़ते जा रहे धीरे धीरे। और ये देखो शंकर भोले की जटा से पानी निकल रहा है भाई, मस्त सुंदर सा दर्शाए हुए हैं। आगे में ना दशमन झूला बना हुआ है जो लकड़ी का पुलिया टाइप का बनाते हैं ना उस तरह का, तो उसी में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ये दृश्य देखो आप लोग कितना प्यारा लग रहा है। ये देखो लकड़ी का पूरा पुलिया बना हुआ है और नीचे में ये देखो नीचे में पूरा झाग है, लेकिन एक तरफ से बर्फ दर्शाए हुए हैं। यहाँ से पानी गिरना था लेकिन अभी गिर नहीं रहा है पानी वगैरह, तो इसी को क्रॉस करके अपन आगे बढ़ रहे हैं। देख लो इस तरह से लोग आ रहे हैं धीरे धीरे हौले हौले। और ये नज़ारे यहाँ से जो दिखते हैं ना भाई बहुत प्यारा लगता है। ये दृश्य देखो आप लोग कितना सुंदर सा दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे पूरे बर्फ दर्शाए हुए हैं और ढलान है इस साइड में। देखो सब आ रहे हैं क्रॉस करते हुए, लकड़ी का पूरा बना हुआ है। अच्छा एक फील आएगा कैसे कष्ट झेल के अमरनाथ यात्रा करते हैं। और ये देख लो पानी और यहाँ पे पूरा झागी झाग है लेकिन उसको पूरा बर्फ दर्शाए हुए हैं। ये देखो इतना सुंदर दर्शाया हुआ भाई, पानी भी गिरते जा रहे हैं, काफ़ी सारे लोग आ ही रहे हैं ये गुफा देखने के लिए। बहुत अच्छा बना हुआ है, कुछ हट कर है ये। चलो और आगे बढ़ते हैं और सब यहाँ पे फोटोग्राफी भी रहे हैं। बस धीरे धीरे अमरनाथ गुफा अब फाइनली पहुँचने वाले हैं हम लोग। और यहाँ से भी देखो आप लोग नज़ारे चलते जा रहे हैं भाई, खूबसूरत सा दृश्य। ये आ गए अमरनाथ गुफा, ये देखो अमरनाथ गुफा। तो घर बैठे दर्शन करिए बाबा बर्फानी, बहुत प्यारा दर्शन हुआ यहाँ देख रहे हो। इसी तरह से अमरनाथ गुफा होता है श्री बाबा बर्फानी। कुछ ज्यादा ही अंधेला भाई साहब, ये देखो सब वहीं पे फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो बस हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा बना के रखे हुए हैं भाई, देखने योग्य है। अगर आपने नहीं देखा तो आइएगा देखने के लिए, लेकिन प्राइस कुछ ज्यादा ही रखे हुए हैं भाई साहब। अभी हम गणपति महाराज जी का दर्शन करने वाले हैं, देखते हैं कुछ हट कर बनाए के लिए बनाए हैं। उस समय आए तो ऐसे नॉर्मल सा बैठा दिए थे गणपति महाराज जी को, ऐसे यहाँ पर है गणपति महाराज जी, तो वहाँ दिखाते हैं आपको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अरे धन्यवाद भैया आप हमारे सब्सक्राइबर। और यहाँ पर है गणपति महाराज जी, घर बैठे दर्शन करिए। देखो पूरे जटाओं से लिपटे हुए हैं गणपति महाराज जी, एक तरफ से देखा जाए तो तपस्या में लीन है गणपति महाराज जी। यहाँ भी छोटे छोटे गणपति महाराज जी रखे हुए हैं, बहुत प्यारा लगा यार। देखो पूरे अंदर का दृश्य देखो आप लोग, पूरे पहाड़ के नीचे में जटाएं वगैरह होते हैं, पेड़ों पे इस तरह से दर्शाए हुए हैं। और काफी सारे भक्तगण गुफा देखने के लिए और गणपति महाराज जी का दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पे प्रसाद भी मिल रहा है तो प्रसाद लेते हैं। कैसा लगा ये अमरनाथ गुफा कमेंट करके जरूर बताइए। तो गाइस अभी हम बाहर निकल चुके हैं लेकिन अभी आ गए हैं मेला सेक्शन की ओर। देखो पता था कि अपन मेला सेक्शन पे ही निकलेंगे, यहाँ का झूला देखते हैं, यहाँ की दुकानदारी देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं काफी सारे दुकानें सब सजे हुए हैं, तो यहाँ पे जम कर आप खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ पर है हर माल 10 रुपए में यहाँ पे मिल जा रहे हैं, देखते हैं क्या क्या मिल रहा है। हर माल 10 रुपए में भाई, मैं भी कुछ देख रहा हूँ, मम्मी जो बोली थी वो यहाँ पे मिलता तो लेके जाएंगे, नहीं तो फिर और दूसरे मेले में देखेंगे अपन। और यहाँ पे कान के झुमके वगैरह हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और ये देखो खिलौने हैं यहाँ पे, माल 10 रुपए में। यहाँ पे चूड़ी कंगन के दुकानें सब सजे हुए हैं, तो यहाँ भी आप चूड़ी कंगन खरीद सकते हैं, एक से एक चूड़ी कंगन आए हुए भाई। और ये देखो यहाँ पे कारपेट बिछाने वाला, ये भी दुकान देखने को मिलेंगे। ये पर्दे वगैरह भी मिल जा रहे हैं यहाँ पे, इस तरह का दुकान है थोड़ा कम देखने को मिलता है। तो हमने तो अमरनाथ गुफा देख लिया, आप लोगों को भी घर बैठे दिखाया। और यहाँ पे है जादूगर बादशाह, तो ये भी आप देख सकते हैं भाई जादूगर बादशाह चालू हो चुका है, देखते हैं क्या टिकट है भाई साहब। जादूगर बादशाह भाई साहब यहाँ पर आ जाएंगे भाई, यही दूर से देख ले रहे हैं क्योंकि नजर आ रहा है दूर से ही, तो मैं भी थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को जादूगर किस तरह से दिखा रहे हैं। अभी तो यहाँ बातचीत कर रहे हैं भाई साहब, थोड़ा मेरा देखेंगे
ये जो झूला थोड़ा सा यूनिक दिख रहा है भाई साहब, लाइटिंग भी अच्छा दिया गया यहाँ पे और देख रहे हो तगड़ा यहाँ पे देश के बाद से का प्रोग्राम है, बड़ी प्रोग्राम देखना है चले आई है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे वॉश की दुकान पे है, देखो वॉश है यहाँ पे, यहाँ पे वॉश वगैरह खरीदारी कर सकते हैं। और ये देखो भाई चूल्हे वगैरह सामने में, और यहाँ पे खाने की भी दुकान है, वेज मंचूरियन है, चाउमीन खाना पीना खा सकते हैं, यहाँ पे पान मिल जा रहा है भाई, और देखते हैं भाई और क्या मिल जा रहा है यहाँ पे, ये छोटे छोटे बच्चे लोग यहाँ पे झूले हैं और वहाँ पे भुक्का मार भी है, तो देखते हैं भैया जी बना रहे हैं दबेली वड़ा पाव, और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे लोग के लिए झूले हैं, और ये वाला झूला देखो आप लोग क्या तगड़ा दिख रहा है भाई साहब, और ये आगे भी अपन ब्रेक डांस पे भाई साहब क्या झटका देता है भाई, इसमें झूले का आप आनंद ले पाएंगे, और सामने में है आसमानी झूला, ये भी देखते हैं आसमानी झूला वगैरह, और बगल में है मिक्की माउस वाला झूला, और ये देखो आसमानी झूला भाई, ये दूर से भाई आकर्षित करता है लेकिन बैठने की हिम्मत हो नहीं पाती अपना, और अकेले क्या ही मजा आएगा, कोई साथी हो तो मजा आता भाई। अब तानी जी तो घर चले गई अपना, दो दिन के लिए छुट्टी मिला हुआ था तो आई हुई थी। ये देखो डोंगा वाला झूला, और बंदूक मारे आगे साइड में, बाकी बच्चे लोगों के लिए झूले यहाँ पे अच्छा है भाई, छोटे से जगह में बहुत सारे झूले दिए हुए हैं, और यहीं से बाहर निकल सकते हो, यहाँ पे बंदूक मार, यहाँ पे सब बंदूक मार खेल रहे हैं, अपना निशाना चेक कर रहे हैं भाई लगता है कि नहीं लगता है। बाकी ये देखो झूले तगड़ा दिख रहा है यार, झूला तो एक नंबर, भीड़ दूषित है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और जादूगर बादशाह तो अभी तक स्टार्ट हुआ नहीं है। देखो यहाँ पे रिंग वाला है, 30 रुपए में 6 रिंग मिलेंगे, तो ये सब खेल सकते हैं यहाँ पे, और ये चटर पटर भी खा सकते हैं आप लोग, बढ़िया यार इतना छोटे से जगह पे इतने सारे झूले दे दिए हैं। ये भाई है, आपका चैनल का नाम बता दो। यस शर्मा इनका चैनल का नाम है, विजिट करिएगा, अच्छे अच्छे कंटेंट वीडियो बना रहे हैं भाई, बाहर निकलने का क्योंकि अपन अमरनाथ गुफा देखकर वापस आए हैं, और ये देखो यहाँ पे स्पाइडरमैन बलून सबके दुकान है भाई साहब, ये देखो मुकुट वगैरह भी देख रहे हो, क्या तगड़ा दिख रहा है यार ये वाला मुकुट, और यहाँ पे चाबी की रिंग है, देख लो चाबी की रिंग, क्यूट सा बच्चा है, यहाँ पे पार्टी टाइप का लगा हुआ है, तो यहाँ पे खाना पीना कर सकते हैं, देखो मंचूरियन और क्या क्या मिल रहा है, समोसा मिल जा रहा है, दही समोसा, गुपचुप, और यहाँ पे दबेली बर्गर, देखो भाई दबेली बर्गर के भी दुकानें लगे हुए हैं, बाकी सब उसी तरह की दुकानें हैं, ये देख लो बढ़िया यार एक जगह पे इतने सारे चीजें रखे हुए हैं, यहाँ पे कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे बस वही है मेले में ना ये सब जो लगा रखे हैं ये लोग सही से ना बनाते नहीं हैं, हो सकता है कि हर कोई नहीं करता होगा, लेकिन फिर भी मैं तो भाई इग्नोर करूँ। इस तरह से रोड क्रॉस करके लोग जा रहे हैं क्योंकि कुछ लोग ना वहीं पर अपना गाड़ी पार्क कर दिए हैं, तो ऐसा रिस्क आप मान लीजिएगा भाई साहब क्योंकि ये हाईवे है। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मिलते हैं बहुत जल्द एक नए ब्लॉग।